हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वरुसेन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। देखिए, एक हफ्ता बाद ही WBCS के एग्जाम है, तो हम लोग जैसे कि करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा करा रहे हैं। आज भी एक करंट अफेयर है, ये GI टैक्स के बारे में है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझेंगे ये GI टैक्स होता क्या है, कौन देता है, क्या इसका पर्सपेक्टिव है। ओके, और ये चीज मैं हमेशा कहता हूँ, ये सिर्फ WBCS के लिए ही, आने वाला जितना भी एग्जाम है GL SSC CHSL GT वगैरह सब में ये काम आएगा। ठीक है, तो GI टैक्स का फुल फॉर्म पहले बात कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इसका डिटेल अभी देखते हैं। सबसे पहले एक पॉपुलर सवाल का आंसर दे देते, पहला GI टैग हिंदुस्तान से कौन बना था? जी हाँ, हमारा प्यारा हिंदुस्तान का, प्यारा वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग है, वहीं का चाय, दार्जिलिंग टी को बनाया गया था 2004 साल में। जी, दार्जिलिंग में मैं भी गया हूँ, वहां पर जो बढ़िया बढ़िया टी गार्डन मिलेगा, वहां पर आपको लाइव चाय भी बना के पिलाया जाएगा। आप भी जाइए, घूमिए फिरिए। GI टैग जो है ये कौन प्रोवाइड, ये क्या चीज से मिलता है? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999 था, उसी के तहत सितंबर 2003 से इफेक्ट में होता है। दो चीज सवाल यहाँ देख लीजिए, कंफ्यूज कर सकता है आपको, बोलेगा जो गुड्स एक्ट जो है GI टैक्स वाला, वो कब लागू हुआ था? सितंबर 3, और पहला बार किसको मिला था? दार्जिलिंग थी 2004। ठीक है, दो अलग सवाल है। अच्छा, ये इशू कौन करता है? ये जो इशू करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई में इसका ऑफिस है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT का अंदर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अंदर में आता है। ओके, अच्छा आप देख लेते हैं, ये 10 साल के लिए किसी भी GI टैग को इशू किया जाता है, उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। अच्छा, GI टैग एक्चुअली होता है क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कोई भी खास जगह का, ज्योग्राफी मालूम है आपको, जगह का बारे में बोला जाता है, कोई भी खास जगह का पहचान दिलाता है, इंडिकेट करता है, उसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। ये कोई खाने पीने का सामान हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक सामान हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है? इसका बेनिफिट सबसे पहला तो लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि जैसे देख लीजिए, ये कांगड़ा टी के बारे में बात कर लेते हैं। कांगड़ा टी तो ये वहां का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां का सरजमीन में बना है, वहां का वेदर के हिसाब से बना है, वहां का मिट्टी का क्वालिटी की वजह से बना है, तो वहां एक खास बात है। तो कहीं कभी दूसरे जगह का टी को अगर कोई बोलेगा भाई ये कांगड़ा का टी है, तो वो क्वालिटी तो वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा झूठ मूठ का बोलता है जो ये कांगड़ा टी है, और ये साबित हो जाता है वो कांगड़ा टी नहीं है, जिसका क्वालिटी खराब है, तो उसको सजा भी मिल सकता है इसका तहत। ओके, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि जो कस्टमर है, जो सामान खरीद रहा है, उसको अगर GI टैग के बारे में मालूम है जो ये चीज में है, यानी कि पूरा टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो एकदम सही चीज हमको मिल रहा है। ओके, अच्छा इकोनॉमी बूम होता है, यानी कि जब बढ़िया चीज का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा नेशनली इंटरनेशनली, तो उसका बिक्री भी बनेगा, बिक्री बढ़ेगा तो वहां का जो भी लोग है जो काम करते हैं, ज्यादातर देखिएगा जो GI टैग होता है ना, छोटा लेवल में होता है, शहर डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट, मतलब छोटे छोटे लेवल में होता है, ताकि वहां पर का जो इंडस्ट्री है या इकोनॉमी है वो बूम कर सके। समझ में आया आपको? अच्छा अच्छा, इंटरनेशनली इसको कौन मेंटेन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1967 में बना था, जेनीवा में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था, ये भी जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये जो WTO क्या बन करके ये WTO बना था मालूम है? GATT उसको बन करके ये WTO का शुरुआत किया गया था। ओके, समझ में आ गया होगा आपको GI टैग के बारे में बहुत ही आसान भाषा में। अच्छा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बता दूं, ये देखिए हाईलाइटेड भी है और ये इटैलिक भी है, कांगड़ा टी। यहाँ 2023 के स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल में कांगड़ा टी को, जो कि हिमाचल प्रदेश का चाय है, यूरोपियन GI टैग से भी नवाजा गया है। अभी तक तो इंडियन ने GI टैग के बारे में बात करे थे, हर कंट्री अलग अलग GI टैग करता है, यही WIPO और WTO का तहत इसको मेंटेन किया जाता है। ओके, तो ये GI टैग कांगड़ा टी को मिला, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से देखिएगा। वैसे एक साल में दर्जनों भर, यानी कि लगभग 500 GI टैग तो इशू हो ही जाता है। इशू एक्चुअली क्या है, जो भी ऐसा प्रोडक्ट रहेगा पहले वो अप्लाई करेगा, उसके बाद बहुत सारा प्रोटोकॉल मेंटेन करके उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सबको नहीं मिलता है। ओके, एक ही चीज को बार बार भी नहीं। ओके, तो ये हो गया, GI टैग यूरोपियन का है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारा है, तो सबका नाम तो पॉसिबल है नहीं, जितना सारा मैं अपना नोट डाउन करके रखता हूँ डेली पढ़ पढ़ के, तो उसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। काला जीरा राइस, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का, इसको भी GI टैग मिला इसी साल, और इसको प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है प्रिंस ऑफ राइस किसे कहा जाता है, तो आप आंसर दे सकेंगे काला जीरा राइस कोरापुट का, जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
सब में देखिएगा ज्यादातर ना जगह का नाम इसमें ऐड किया हुआ रहेगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो या शहर हो या छोटा कस्बा हो। अच्छा, रायगढ़ सॉल्स ठीक है, जो कि उड़ीसा का ही है, और ये सॉल का जो नाम है उसका नाम है कप डक, क्या है कप डक अंडा, ठीक है कप डक नडा, ठीक है जो भी है, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, वहां का फेमस है उड़ीसा में। अच्छा, आज आजकल क्या हो रहा है ना, मैचिंग भी दे सकते हो, चार जी आई टैग दे दिया, चार जगह का नाम दे दिया। मैचिंग में मेरा ख्याल से पूरा एग्जैक्ट जगह नहीं देगा, वो आपको स्टेट का ही नाम देगा, ठीक है। अच्छा, मन्ना मदुरई पॉटरी, ये तमिलनाडु का जी आई टैग इसको दिया गया, ये एक मतलब हांडी होता है मिट्टी का, बहुत ही खूबसूरत होता है, आप फोटो में भी देख सकिएगा। अच्छा, सालेम सागो, सालेम एक जगह है तमिलनाडु का, आपको मालूम ही है, सालेम का जो सागो है, जो साबूदाना हम लोग खाते हैं ना, हम लोग साबूदाना बोलते हैं, एक्चुअली सागो होता है, वो बहुत ही फेमस है, उसको भी दिया गया। अच्छा, एक दिया गया है अत्रेयापुरम, जगह का नाम है पुत्राखुलू, आंध्र प्रदेश का ही है, ये एक मिठाई है। आप अगर हल्दीराम में जाइएगा या फिर आपका यहाँ पर नियोमोरे में जाइएगा, देखिएगा ना, एक छोटा टाइप का मिठाई रहेगा, बाइंडिंग टाइप करेगा, मीठे मीठे उसी टाइप का ये मिठाई रहता है। भद्रेवा राजमा, भद्रेवा जगह है, राजमा मालूम है आपको, दिल्ली नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस है राजमा चावल। और राममान सुलई हनी, ये सेहत के बारे में बात किया जा रहा है, सुलई हनी बोला जाता है इसको, जम्मू कश्मीर में है, ये दोनों को मिला है। अच्छा, बशोली पश्मीना, पश्मीना तो बहुत ही फेमस है, आपको मालूम है पश्मीना का कपड़ा शॉल वगैरह बनता है, ये जम्मू कश्मीर का जो कथुआ डिस्ट्रिक्ट है वहां का बसोली का ये पश्मीना, इसको जीआई टैग से नवाजा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल से, याक चुरपी या कुरपी, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, और ये पहला याक मिल्क प्रोडक्ट बना जिसको जीआई टैग दिया गया। अब अगर अरुणाचल प्रदेश में जाइएगा, ये हिमाचल में भी आपको मिलेगा, याक मिलेगा, ठीक है, वहां पर उठ के सब फोटो वोटो भी उठाता है, तो ये दिखने में कैसा रहेगा मालूम है, चीज टाइप करेगा, जैसे छोटे छोटे ब्लॉक के तरह चीज होते हैं, उसी को याक कुरपी कहा जाता है। अच्छा, खामती राइस और टांगसा टेक्सटाइल, ये दोनों भी अरुणाचल प्रदेश के, इसको जीआई टैग मिल गया। वैसे कल ही मैंने कहा था अरुणाचल प्रदेश जो है सेवन सिस्टर का सबसे बड़ी बहन है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम डेंसिटी भी है हमारा हिंदुस्तान का 2011 का सेंसस के हिसाब से। अच्छा, उदनगुड़ी पनन गरुपत्ती, ठीक है, उदनगुड़ी जगह का नाम है, पनन गरुपत्ती जो है ये एक जैगरी है, जैगरी का मतलब होता है गुड़, ठीक है, अभी विंटर सीजन आया, देखिएगा बहुत सारा खजूर का भी पतला पतला गुड़ भी आएगा, सब गर्म रोटी से खाते हैं, तो ये तमिलनाडु का, इसको जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, केंद्रपारा रासबली, केंद्रपारा उड़ीसा का एक जगह का नाम है, और ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम है रासबली, ये एक भी एक स्वीट्स है, अगर आप लोकल स्वीट दुकान में जाएंगे, वो जो रसमलाई जिसको बोला जाता है वैसा टाइप करेगा, एक छेना रहेगा, छेना का ये आइटम रहेगा, और उसको कंडेंस मिल्क, जैसे मिल्क में डता है ना गाढ़ा वाला दूध, उसी में डुबा के ये खाया जाता है, बहुत ही फेमस है। और हाँ, पूरी जगन्नाथ टेम्पल का जो 56 भोग है उसमें भी ये शामिल है। अच्छा, अब आता है जदेरी नामाकट्टी, ठीक है, जदेरी जगह का नाम है नामाकट्टी, जो क्ले स्टिक है, मिट्टी का ना खिलौना का तरह बनता है, तमिलनाडु का फेमस है। अच्छा, आप देख लेते हैं उत्तराखंड से बहुत सारे दिए गए इस बार, अल्मोरा का लखोरी मिर्ची, चमोली का उडन रमन मास्क, एक मास्क होता है लकड़ी का, लिखाई उड कार्विंग, ठीक है, उड कार्विंग से बना हुआ है, इसका बोलता लिखाई, और पहाड़ी तूर दाल, तूर दाल फेमस है पहाड़ी, माल्टा फ्रूट जो कि हिमालयन स्वीट ऑरेंज भी बोला जाता है, बुरंस जूस, ये एक फूल का जूस है, ये बहुत ही मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बेरिंगनाक टी, चौलई रामदाना, इसको रामदाना कहा जाता है चौलई को। अच्छा, मांडुआ झांगोरा, ये मिलेट्स है, इंटरनेशनल मिलेट्स है, तो अभी मनाया भी जा रहा है, आपको मालूम ही है, गहट ये एक पल से, ये भी उत्तराखंड का, ये सब उत्तराखंड का, ठीक है। अब दो तीन बचा, सी ऑफ बकथोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये लद्दाख का बना है, ठीक है, ये एक फ्रूट है। अच्छा, चोकुआ राइस, जिसको मैजिक राइस भी कहा जाता है, असम का जो अहम डायनेस्टी था, उसका जो सेना लोग था, क्या जो भी सेना लोग जो लड़ने उड़ने जाता, लोग खाना भी खाना पड़ता है, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चोकुआ राइस को मैजिक राइस इसलिए कहा जाता है, ये हल्का नॉर्मल पानी में ही खुद ही पक जाते हैं, ठीक है। और अहम डायनेस्टी के बारे में बात हो रहा, तो लचित बुरफुकान के बारे में भी बात कर लेते हैं, पिछला साल 2022 में ही इनका 400वां जन्मदिन पूरा होता है, ठीक है, और ये अहम जनरल थे, ये मुगल को हराए थे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में सराय घाट का बैटल हुआ था 1671 में, याद रखिएगा, गुवाहाटी में, उसमें ये मुगल को हराए थे। और एक लास्ट एकदम ताजा ये बना है लाकाडोंग टर्मरिक, जो कि मेघालय का जीआई टैग दिए गए हैं, ओके। तो ये जीआई टैग वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, और हाँ जरूर से जरूर देखा करिए। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है,
नहीं देख रहे मेरा वीडियो कोई मामला नहीं, मगर टॉपिक को जरूर देखिए, कहीं से भी देखिए, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है जो मेरे ही चैनल को देखना होगा। बट मैं कोशिश यही रहता है सिंपल वे में कम टाइम में आप लोग को समझा दे। ओके, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।